यदि आप ऑन पैसिव के फाउंडर या रीसेलर हैं या आप इनमें से दोनों हैं और आपके इकोसिस्टम के डैशबोर्ड में ओ कनेक्ट का आइकॉन नहीं दिखाई दे रहा है, तो इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखने के बाद आप अपने इकोसिस्टम के डैशबोर्ड में ओ कनेक्ट का आइकॉन आसानी से ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने इकोसिस्टम के डैशबोर्ड में ओ कनेक्ट का आइकॉन किस तरह से ऐड करेंगे और ओ कनेक्ट का 14 डेज फ्री ट्रायल को किस तरह से एक्टिवेट करेंगे। इसलिए यह वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेशन से भरपूर होने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि यदि आपके इकोसिस्टम के डैशबोर्ड में ओ कनेक्ट का आइकॉन नहीं दिखाई दे रहा है या फिर जब आप इकोसिस्टम में लॉगिन करते हैं तो ओ कनेक्ट का आइकॉन थोड़ी देर दिखाई देता है और गायब हो जाता है, और जब आप इकोसिस्टम के पेज को रिफ्रेश करते हैं तो ओ कनेक्ट का आइकॉन थोड़ी देर के लिए दिखाई देता है और फिर गायब हो जाता है। तो इसके लिए आप ओ कनेक्ट का 14 डेज फ्री ट्रायल को एक्टिवेट करना होगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा कि हमें ओ कनेक्ट का 14 डेज फ्री ट्रायल को कब एक्टिवेट करना चाहिए। इस पर मैंने पहले ही एक वीडियो बना दिया है जिसे मैं इस वीडियो के अंत में लगा दूंगा, उस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो ओ कनेक्ट का 14 डेज फ्री ट्रायल को एक्टिवेट करने से पहले उस वीडियो को जरूर देखें, उसके बाद ही आप अपने ओ कनेक्ट का 14 डेज फ्री ट्रायल को एक्टिवेट करें। जब आप ओ कनेक्ट के 14 डेज फ्री ट्रायल को एक्टिवेट करेंगे तो ओ कनेक्ट का आइकॉन आपके इकोसिस्टम के डैशबोर्ड में दिखाई देने लगेगा। तो इसके लिए हमें इकोसिस्टम के डैशबोर्ड में मार्केट पैलेस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। मार्केट पैलेस वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने हमारे स्क्रीन पर मार्केट पैलेस का इंटरफेस नजर आने लगेगा। यहाँ पर आपको वेलकम बोनस का 10 क्रेडिट पॉइंट दिख जाएगा। तो पेज को हमें थोड़ा नीचे करना है। जैसे ही आप पेज को नीचे करेंगे, नीचे में आपको ओ कनेक्ट का आइकॉन दिख जाएगा और उसमें 14 डेज फ्री ट्रायल लिखा हुआ नजर आएगा, और उसके साथ ही गेट इट नाउ का एक बटन मिलेगा जिस पर हमें क्लिक कर देना है। उस बटन पर क्लिक करते ही हमारे सामने नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा और दाहिने साइड में एक बटन दिखेगा, उस पर लिखा हुआ है स्टार्ट योर 14 डेज फ्री ट्रायल, उस पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे ही हम उस बटन पर क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप ओपन होगा, उसमें 2 बटन नजर आएगा जिसमें से हमें स्टार्ट नाउ वाले बटन पर क्लिक कर देना है। उस बटन पर क्लिक करते ही ओ कनेक्ट का 14 डेज फ्री ट्रायल एक्टिवेट हो जाएगा और साथ ही एक मैसेज नजर आएगा जिसमें लिखा हुआ रहेगा योर ट्रायल पीरियड स्टार्टेड सक्सेसफुली फॉर ओ कनेक्ट। इस नोटिफिकेशन के आने के बाद अब आपका ओ कनेक्ट का 14 डेज फ्री ट्रायल एक्टिवेट हो गया है, लेकिन अभी भी आपके इकोसिस्टम के डैशबोर्ड में ओ कनेक्ट का आइकॉन नजर नहीं आएगा। जब आप इकोसिस्टम पेज को रिफ्रेश करेंगे तब आपके इकोसिस्टम के डैशबोर्ड में ओ कनेक्ट का आइकॉन नजर आने लगेगा। इस तरह से आप ओ कनेक्ट के 14 डेज फ्री ट्रायल को एक्टिवेट करके इकोसिस्टम के डैशबोर्ड में ओ कनेक्ट का आइकॉन ऐड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि अब आप समझ गए होंगे कि ओ कनेक्ट का आइकॉन हमें किस तरह से इकोसिस्टम के डैशबोर्ड में ऐड करना है और ओ कनेक्ट का 14 डेज फ्री ट्रायल को किस तरह से एक्टिवेट करना है। इसके बावजूद भी यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कॉमेंट में पूछ सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और इस तरह का वीडियो देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।